फाइनली जी ये मैंने ऑर्डर कर लिया। मैं 3-4 महीने से सोच रही थी कि ये ऑर्डर करूं। 790 रुपीज़ में जो अंडा बॉईल करने वाला इलेक्ट्रिक कुकर है, किस तरह काम करता है। अभी अभी आया, इसमें मैंने खोला भी नहीं है। ये देखें, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, अंडा डाल देना है, जहाँ तक पानी का मार्क है वहाँ तक पानी डाल देना है। 12 मिनट तक फुल होगा, 7 मिनट तक हाफ बॉयल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन कच्चा नहीं होगा। अगर देसी अंडा है तो 5 मिनट बहुत होते हैं, क्योंकि वो छोटा अंडा होता है, फ़ौरन बॉयल हो जाता है। अगर दूसरा है फार्मी है तो 7 से 6 मिनट, फुल बॉयल करना है तो 12 मिनट। हिसाब किताब रखना पड़ता है अंडों का भी। चलो मैं खोल के देखती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने दायम और ईमान के लिए टैब्स मंगवाई हैं, क्योंकि जो फ़ोन यूज़ करते थे, एक तो स्क्रीन बहुत छोटी है और मुझे कचीचियाँ चढ़ती हैं जब बच्चे बहुत आँखों के पास रख के देखते हैं। तो मैंने कहा जो इनको मैंने घंटा देने, इनके लिए टैब ऑर्डर करूं, ताकि दूर रख के ये आराम से ना अपना देखें, जो इन्होंने कार्टून्स वगैरह देखने हैं, कलरिंग वगैरह करनी है। इसके तो मैंने गेम्स इंस्टॉल की हैं। वैसे ये कलरिंग वाली है, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने ईमान का भी सेट किया है। स्पॉटिफाई इसके अंदर पहले से ही था, यूट्यूब इंस्टॉल कर दी है, यूट्यूब किड्स भी थोड़ी सी गेम कलरिंग गेम्स की हैं, किड्स गेम किए हैं, पियानो किड्स कलरिंग एंड लर्न कर दिया ये। ठीक है, अच्छा ये इसकी शक्ल है, ये स्लाइटली यूज है, लेकिन कंडीशन इनकी 10/10 थी, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, और पैकिंग तो इतनी ज़बरदस्त। खोलते खोलते मुझे घंटा लग गया। ये दोनों मुझे 40,000 की पड़ी हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए तो ये ले सकते हैं। ये भी दायम की मैंने सेट नहीं की। ये देखें, अब इसकी करूँगी। ये देखें जी, ये जो स्टैंड था ना, इन्होंने साथ शायद कॉम्प्लीमेंट्री दिए। एक मैंने ये देखें लगा लिया, एक ब्लैक है, ये रख दिया यूं करके, और साथ इसके चार्जर भी आया। अच्छा 40,000 की नहीं थी, ये मुझे पड़ी है 35,015 की। ठीक है, मैंने कहा शुक्र है मुझे बिल मिल गया। ये दोनों टैबलेट्स का ना इकट्ठी आई हैं, चार्जर भी अंदर ही थे, और ये मेरा ख्याल उन्होंने साथ गिफ्ट भिजवाया। चलिए जी, मैं पेज टैग कर रही हूँ। बात जी, एक मैंने ये कंटेनर ऑर्डर किया था। अच्छा मैंने 2 ऑर्डर किए थे, मैंने कहा देखते हैं ऑर्डर करके कैसे निकलते हैं। बहुत ज़बरदस्त निकले, एक तो लाइट वेट है, सबसे अच्छी बात ये है, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। अभी आए हैं, मैंने खोले भी नहीं है। ये देखें, ये आप लोग ऊपर से चेक करें, जब चाइनीज़ वगैरह बनाते हैं, एक में प्याज, एक में गाजर, एक में शिमला मिर्च, एक में कुछ, इस तरह आसानी हो जाती है। कुछ काट के भी रखना हो, एयर टाइट में रखना हो, अलग अलग रखना हो, प्लेट में रखने की बजाय इस कंटेनर में रख सकते हैं। इतने कंटेनर्स मैंने अब आप लोग को दिखा दिए हैं। अब आप लोग को जो दिल करता है आप लोग वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैं दिखा दूँ वो लेनी लेनी है। स्क्रीनशॉट ले लें, कभी ज़रूरत पड़ जाती है फिर इंसान ऑर्डर कर लेता है। दाल चावल जी खा लिए हैं, अब चाय का टाइम है, चाय बना रही हूँ। आप लोग बताएं क्या करें। मैं बच्चों को सुलाते सुलाते में मेरी आँख लग गई थी, और एकदम उठी हूँ तो मेरा सर घूम गया। चाय पी के
तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कुछ ना करी, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कुछ ना करी, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कुछ ना करी। मर खींच खींच आ गया खींचो मारो रुको जा मार दो ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल चाल है आज मैं आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करती हूँ मैं जब भी बाहर निकलती हूँ मुझे बेशुमार लोग मिलते हैं और वो सलाम से पहले ना मतलब वो मतलब मुझे देख रहे होते हैं यूँ करके फिर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं नहीं 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 मरियम नहीं है वो तो बहुत मोटी है तो बहुत पतली सी है और फिर सलाम से पहले मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि मरियम आप भी आप बहुत मोटी लगती हैं कैमरे में शायद मुझे आदत नहीं है जो मेरे देखते रहते हैं उनको आदत नहीं है उन्होंने मुझे लाइव देखा है जो लोग मुझे पहली दफ़ा देखते हैं वो बस यही कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप तो छोटी सी हैं आप तो पतली सी हैं आप कैमरे में बहुत मोटी लगती हैं शायद मैं कैमरा बहुत ज़्यादा यूँ रखती हूँ यूँ रखूँगी तो देखें फ़र्क आ जाता है इतनी अच्छी क्वालिटी है इस ग्लास की इतनी हैवी इधर मैं एक मिनट बेटे अच्छा लगाते हैं ये इसका कवर नहीं है इतनी अच्छी क्वालिटी है ग्लास की इतना हैवी है ये इसके अंदर बेकिंग भी कर सकते हैं मेरा तो ख्याल है वेरी नाइस मैंने 3 pairs मंगा लिए थे मैंने कहा था ये तो जितने हो कम है ये बहुत हैवी है छोड़ दो बेटा हैवी है चले लिंक अटैच कर रही हूँ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग एक मिनट छोड़ो इसको लगाओ जी ये बड़े मज़े के कंटेनर्स हैं एक तो एयर टाइट है बॉक्स बंद हो जाते हैं अगर आपने बॉक्स बंद नहीं करना है आप लोग की अपनी चॉइस है इसके अंदर इस तरह की पार्टीशन है एक पार्टीशन डाल के यूज़ करना है एक डाल के यूज़ कर लें कोई भी नहीं यूज़ करनी अगर ज़्यादा टमाटर वगैरह हैं तो इस तरह अकेला यूज़ कर लें वरना ये 3 आप लोग डाल सकते हैं इसको जी बंद कर देंगे इस तरह के होते हैं मिर्च अलग पड़ी होती हैं लीमू अलग पड़े होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना अलग 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 चीज़ें रखनी नहीं पड़ेंगी ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है मैंने 3 ऑर्डर किए हैं ये देखें तीनों के साथ ये मिलते हैं अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो करें वरना नहीं बहुत ज़बरदस्त है लिंक अटैच कर रही हूँ जो लेना चाहता है वो ये ले लें मैंने खोल लिया इसके 3 पुर्जे आते हैं सबसे पहले ये है जिससे तार लगी हुई है ठीक है इसके ऊपर येलो के ऊपर लिखा है फुल बॉयल 10 मिनट हाफ बॉयल 5 मिनट ठीक है कोई पानी का निशान नहीं है उतना पानी डालना है कि जब ये रखे अंडे तो अंडों से पानी टच ना हो फिर हमने लिड दे देना अच्छा मज़ा नहीं आया पता है क्यों मेरे माइंड में जो था ना अंडा बॉयल करने वाला वो था उसके ऊपर टाइमर हो लेकिन 750 rupees में इतना ही हो सकता है क्वालिटी अच्छी है इसकी 750 के लिहाज से ठीक है जो टाइमर वाला है वो फिर मैं ऑर्डर करूँगा कहीं और से ना वो मुझे टाइमर वाला मिला नहीं कि हमने अंडा बॉयल करना है ना ये हमने सारे अंडे रखे टाइमर लगा दिया 8 मिनट का 8 मिनट बाद खुद ही बंद हो जाए ये ऐसे नहीं होगा इसको खुद बंद करना पड़ेगा वैसे गुड है क्वालिटी भी ठीक है जी ये कंटेनर्स का सेट ऑर्डर किया था ये एक सेट है मैंने 3 ऑर्डर किए थे आप सोचते होंगे कि मरियम इतने कंटेनर्स का क्या करती है दो घर हैं जो पुराने फॉलोअर्स हैं उनको तो पता है एक लाहौर घर है एक चिश्तियां घर है दोनों घरों में मुझे होता है कि इक्वल इक्वल सामान हो लाहौर वाला घर अभी मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं इंशाल्लाह ताला जब वो सेट हो जाएगा प्रॉपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ठीक है क्योंकि इस घर में तो ऑलमोस्ट सिर्फ सारा काम शाम चलता है वो घर प्रॉपर अच्छे तरीके से सेट किया हुआ देखें जी ये मैंने खोल लिए हैं ये एक सेट के अंदर 1, 2, 3, 4 इस तरह के बोल्स हैं सबसे छोटा ठीक हो गया उससे बड़ा ये स्टिकर्स उतर जाएंगे ये फिर उससे बड़ा और ये जी सब
एक ये है और एक ये है। मजेदार। मैंने जी जब ये क्रीम आप लोग को रिकमेंड की थी लास्ट टाइम, उसके बाद मैंने कुछ दो तीन और क्रीम्स यूज़ करने शुरू कर दी थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे ब्लैक हेड्स थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं और पिंपल्स भी आप लोगों ने देखे आजकल बन रहे हैं, तो मैंने बाकी सब क्रीम्स छोड़ दी हैं। ये भी नहीं है और ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, अंदर हवाई भरी हुई है और कुछ नहीं है इसके अंदर। बहुत ही अच्छी क्रीम है, जिनकी सेंसिटिव एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन भी है ना वो भी इसको इस्तेमाल करें, जिनके पस वाले दाने भी हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी आपके दाने डिस्टर्ब नहीं करती, मुंह पे जलन नहीं करती और कुछ भी नहीं। पेस्ट है कर रही हूँ, अगर आप लोग लेना चाहते हैं ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन के लिए भी, तो ये मैं आप लोग को रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। हाँ जी, मैं अभी बात कर रही थी जी रिजा की ये एलियोर ब्राइटनिंग क्रीम के बारे में, इसके जो सेव एंड इफेक्टिव है। अच्छा, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आप लोग को बताती हूँ। कोजिक एसिड है, नायसिनमाइड है, ग्लूटाथायोन है, अल्फा एल्ब्यूटिन है, हेलुरोनिक एसिड है फॉर रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन, जिनके बहुत पक्के निशान है ना पिंपल्स के, वो भी आप लोग ये लगाएंगे ना आप लोग के 80% ये ख़त्म कर देती है। बहुत बहुत माइल्ड और बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला, वाह शादी हो रही है। और ये देखिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका, लौट के बुद्धू घर को आए, दोबारा स्क्रीन पे शिफ्ट हो रही हूँ मैं। और आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, ठीक है, इतनी सी बस लेनी है और वो पूरे मुंह पे आपने लगानी है, इतनी इतनी भर भर के नहीं लगानी है आपने। और कोशिश करें मुंह धोने के बाद जब हल्का सा डैम डैम होगा बिल्कुल लाइट लाइट सा तब लगाएं, बहुत अच्छी क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो आजकल एक फेक क्लिप नहीं चल रहा जिसमें मैं एक नाइट क्रीम की तारीफ कर रही हूँ, मैं इस क्रीम की तारीफ कर रही थी, उन्होंने उस इसकी वीडियो में से एक पार्ट निकाल के अपनी नाइट क्रीम के साथ जोड़ के, पता नहीं कौन सी फेक क्रीम है वो, प्लीज़ कोई बाय ना करे, स्किन का पता नहीं वो क्या हशर करेगी। वो ये वाली क्रीम है जिसकी मैं इतनी तारीफ कर रही थी, इसके ऊपर प्रॉपर एक मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाई है, जो ये वाली क्रीम लेना चाहते हैं ले सकता है, जो मेरा फेक एड देखेगा। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी का कुछ भी बोल रहे हैं वो उठा रहे हैं क्लिप और अपनी प्रोडक्ट अंदर घुसा के वो प्रमोशन लगाई हुई है, और लोगों को नहीं पता चलता, जिनको नहीं पता मेरा तो वो ऐड देखेंगे वो मंगवा लेंगे। तो आप लोग जो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ये वाली क्रीम है वो वाली क्रीम नहीं लेनी, जो वाइट डब्बी वाली है वो बिल्कुल नहीं लेनी। ये देखें जी, ये मैंने दायम के ट्राउज़र ऑर्डर किए थे, दो ट्राउज़र्स हैं 550 के, मैंने तीन पेयर ऑर्डर किए थे, मतलब टोटल 6 हो गए, ठीक है। एक इसने कल पहना था, एक मैंने सुबह इसको स्किन कलर का पहनाया है, बाकी आपके सामने। अच्छा, दायम की मैं पॉटी ट्रेनिंग कर रही हूँ, मुझे था खुले खुले डुले से और हल्के फुल्के से ट्राउज़र्स में इसको पहनाऊँ, निकर वगैरह ना पहनाऊँ, क्योंकि पॉटी ट्रेनिंग के दौरान छी भी निकल जाता है, पॉटी भी निकल जाती है, तो ट्राउज़र्स ना घर पहनने वाले बाहर पहनने वाले गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ना, तो ये बेहतरीन है, बेहतरीन, बहुत हल्के फुल्के से घर में पहनाने वाले। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो ये ट्राउजर्स ले लें, बड़े इजी पीजी रहेंगे आपको। ये देखिए, कहीं बाहर पहनाने वाले नहीं है उस तरह के नहीं है, लेकिन घर पहनाने के लिए ट्रेन करने के लिए मैं कहती हूँ बेहतरीन ट्राउजर्स है। इसके अंदर जो मर्जी लगे धो के दोबारा पहना दो, क्योंकि ये कौन सा बाहर पहनाने हैं।